ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो बाबा ने 26 दिसंबर 1979 को उच्चारण किए, उन पर आइए हम मनन और चिंतन करें। आज की मुरली का विषय है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हरेक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक, राज योगी तिलक और राज तिलक, दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा, इसको हम बाद में ले लेते हैं। लेकिन बाबा ने जो दो तिलक बताए और आज उनको नाम बहुत सुंदर दिया, राजयोगी तिलक और राज तिलक। ऐसा है कि बाबा कहते हैं कि तिलक जो है वो स्मृति का चिन्ह है। स्मृति ही समृद्धि लाती है, तो जिस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है वैसी आत्मा को समृद्धि रहती है। जैसे किसी को विजय का तिलक दिया जाता है, जब वो कोई बात में विजय प्राप्त करके आता है तो तिलक उसको स्मृति दिलाता है कि देखो तुमने कितना श्रेष्ठ कार्य किया, तुमने विजय प्राप्त की है, तो विजय का तिलक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो राज्य गद्दी पर बैठते हैं उनको भी राज तिलक दिया जाता है कि अर्थात आपको ये स्मृति रहे कि अब आप ऐसी गद्दी पर बैठे हैं जो राज गद्दी है, जहाँ पर आपको अपनी सारी प्रजा का स्नेहपूर्वक पालन करना है। अच्छा, नहीं तो तिलक के बगैर भी राजा को गद्दी पर बैठा सकते, उसको ताज दे दो, तख्त पर बैठा दो, लेकिन तिलक दिया जाता है। अच्छा, अब बाबा ने कहा कि दो तिलक। आपने देखा होगा कि जो जो किसी खास चीज़ की चिन्ह होता है उसको तिलक में ऐड कर दिया जाता है। आप देखेंगे कई लोग, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंडी बनाते हैं, तीन तिलक लगाते हैं। आज की मुरली में भी उसका वर्णन है। इसी प्रकार से कई एक बार ये एक मैगजीन में निकला था कि आजकल के जो साधु महात्मा वगैरह हैं 108 तरह के तिलक हैं उनके, तो हर एक तिलक किसी न किसी बात का प्रतीक है। कई दो तिलक लगा के गोल उसमें बिंदी लगा देते हैं, कई एक के ऊपर एक तिलक लगाते हैं, वो किसी न किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं, उनके संपदा के, उनके अपने अखाड़े के। तो बाबा आज कह रहे हैं कि मैं बच्चों का वर्तमान का तिलक और भविष्य का तिलक देख रहा हूँ। तो राजयोगी तिलक है वर्तमान का और उसकी प्रारब्ध स्वरूप राज तिलक है भविष्य का। राजयोगी तिलक वाले ही राज तिलकधारी बनते हैं। किसी राजयोगी के मस्तक पर तीन बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर दो बिंदियों का तिलक है, किसी पर एक बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष तीन स्मृतियों का तीन बिंदियों के रूप में
तिलक दिया हुआ है। बाबा कहते हैं दिया बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक, फिर भी किसी के 2 बिंदियों का तिलक भी देखा, किसी के 1 का भी देखा, किसी के 3 का देखा। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। ये 3 स्मृतियां हैं, कई तो त्रिशूल का भी तिलक लगाते हैं। ये 3 स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति, तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। ये तो बाबा ने पहले भी मुरलियों में ज्ञान में हमें बताया हुआ है कि 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, स्वयं की, परमात्मा की और सृष्टि नाटक के चक्कर की। लेकिन इस मुरली में बाबा ने एक बहुत ही विशेष बात जो सबके नोट करने की है, जो सबके ध्यान पर शायद नहीं है, वो कही है कि 3 बिंदियों का जो क्रम है वो ऑर्डर क्या है, वो बाबा ने नई बात इसमें बताई है। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। अब देखिए कितना फर्क हो गया। बाबा ने 3 बिंदियां जो कही हैं, हम हमेशा यही मानते आए हैं कि आत्मस्मृति, परमात्मा स्मृति और सृष्टि नाटक के ड्रामा की स्मृति। 3 बिंदियों में 3 का सार समाया हुआ। आत्मा का भी ज्ञान बहुत विस्तृत है, आत्मा के 84 जन्मों की श्लोक में कहानी, फिर आत्मा की निराकारी परलोक में कहानी, फिर उसमें आकारी लोक में 3 लोकों और 3 कालों का ज्ञान आत्मा की बिंदी में आ जाता है। फिर परमात्मा की स्मृति, तो परमात्मा तो हम जानते हैं रचेता है, तो उसकी सारी रचना और रचता का ज्ञान परमात्मा को याद करने से आ जाता है। अपने क्या संबंध हैं परमात्मा से, परमात्मा के अवतरण का समय कौन सा है, ये सारी बातें आ जाती है। और सृष्टि नाटक तो बहुत विरहद है, लेकिन वो सारे सृष्टि नाटक का जनरल ज्ञान और उस नाटक में अपने पर्सनल रोल का ज्ञान उसमें आ जाता है। तो अब बाबा ने खास, अब देखिए क्या कहा है कि बीज सारे का, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, उसका बीज है परमात्मा की बिंदी। तो बीज हाथ में आने से, परमात्मा की बिंदी आने से सारा वृक्ष आ जाता है। फिर बाबा ने कहा मैंने 3 बिंदियाँ क्यों बताई हैं, कि हर बीज को जब आप धरती में बोएंगे तो उससे 2 पत्ते निकलते हैं, हमेशा ही 2 पत्ते निकलते हैं। तो बाबा ने कहा कि बीज पहली बिंदी परमात्मा स्मृति है, उसके बाद जो 2 पत्ते हैं वो आत्मस्मृति है और ड्रामा की स्मृति है। तो नई बात हो गई ना। बाबा ने कहा इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। 3 स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हरेक के मस्तक पर चमकता है। ये 3 स्मृतियों का तिलक केवल संगम पर ही लगाया जा सकता है। सज्जु का राज तिलक में भी ये सारी स्मृतियाँ नहीं आती, नहीं, क्योंकि वहाँ परमपिता परमात्मा का पाठ पूरा हो जाता, ड्रामा का भी नहीं है, ये आगे का भी पता नहीं रहता, इसलिए और आत्म स्मृति भी उस स्वरूप में नहीं है। तो बाबा कहते हैं 3 स्मृतियाँ विशेष संगम पर है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए
तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। तो संपूर्ण विजयी की निशानी है तीन बिंदी अर्थात त्रि स्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। अब जैसे बाबा ने कहा त्रिशूल में से एक निकल जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं रहता। अगर तीन शूल हैं, तीन पॉइंट्स हैं त्रिशूल के, और तीनों में भी फर्क हो, एक बड़ा हो, एक छोटा हो, एक उससे छोटा हो, तो भी काम नहीं ठीक तरह करता ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं तीनों स्मृतियाँ हों, इकट्ठी हों और एक साथ हों, फिर माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी दो और कभी तीन। इसलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई एक बिंदी के तिलकधारी देखे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमित तिलकधारी भी हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमित तिलकधारी बन जाते हैं। इसीलिए सारी भगवद गीता के अंत का लास्ट श्लोक ये है, स्मृति लब्धा, कि अब मैं, आत्मा कह रही है कि अब मैं स्मृति स्वरूप हो गई। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राज योगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाशी बना ना सके। रोज अमृत वेले इस त्रि स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, ये समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के पांच रूप पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि ये तीनों स्मृतियां जो हैं वास्तव में समर्थि स्वरूप है, क्योंकि स्मृति से जैसे हमने शुरू में बात की थी समर्थि आती, जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी समर्थ होगी। अगर मेरी स्मृति में कुछ डाउट की गुंजाइश हो, संशय होगा, तो मेरी समर्थि में भी संशय आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हो कि ना हो। और जो पक्का स्मृति स्वरूप होगा उसमें पक्की समर्थि रहेगी। और इसलिए बाबा ने कहा ये तीनों रूप की समर्थि से क्या होगा कि माया किसी भी प्रकार का वार नहीं कर सकेगी, और जो माया के पांच विकार हैं वो आपको हावी होने की बजाय, वार करने की बजाय आपके अधीन हो करके, आपकी दासी हो करके आपको नमस्कार भी करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे, उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। ये भी बाबा का वंडरफुल ज्ञान है। जो बाबा कहते हैं इन माया के रूपों को आप दासी बना लो। बिल्कुल, बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि जब कोई किसी पर विजय पा लेता है ज़्यादातर उसको बंदी बना लेता है। एक राजा जब दूसरे राजे पर विजय पा लेता था तो उसको बंदी बना लेता था। बाबा कहता मैं ये नहीं कहता बंदी बनाओ, क्योंकि मान लो आपने बंदी बनाया तो उछलता रहेगा जेल के अंदर, आपको परेशान करेगा, उसको दास बना लो क्योंकि वो फिर आपकी सेवा में लग जाएगा, अधीन कर लो।
दुनिया के अंदर भी ला है, जो जिसको जीत जाता है उसकी सारी चीज़, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा ने एग्जांपल दिए हुए कि विष्णु जी पांच सिर वाले नाग को सैया बना लिया, अर्थात वही जो पांच विकार थे वो उनके सैया बन गए। तो इसी प्रकार से कृष्ण के लिए दिखाते हैं, वो जमुना के पार ले जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो पांच सिर वाले नाग ने छत्रछाया कर दी। तो ये दासी का काम ही है ना, दास का काम है ना, क्योंकि बाबा ने फिर इन विकारों का डंक निकाल के, इनका रूप बदल के, हर एक विकार एक शक्ति के रूप में बदल जाता है। तो बाबा ने भी एक एक का बताया है, काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा, काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा, दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। यानी काम विकार पे जो जीत पहनते हैं, बाबा कहते हैं उसके अंदर शुभ कामना सबके लिए हो जाती है, और शुभ कामना एक ऐसी चीज़ है जिससे विश्व सेवा होती है। तो जो दुष्ट शत्रु था वो मित्र बन गया, सहयोगी बन गया। क्रोध अग्नि के रूप में, जो इस बात को आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप। क्योंकि बाबा कहते हैं विश्व सेवा का एक ही रूप है, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, शुभ शुभ करते शुभ ही हो जाएगा। आज की दुनिया में यही हो गया है कि काम विकार की अग्नि बढ़ गई है, और शुभ कामना शुभ भावना इतनी ख़त्म हो गई है कि व्यक्ति अपने लिए भी शुभ कामना नहीं कर सकता। क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। अब देखिए, आग से जैसे प्रॉपर्टी जल जाती है, तो क्रोधी व्यक्ति के जो असली प्रॉपर्टी है, शांति है, प्रेम है, संतोष है, भाईचारा है, मित्रता है, सहयोग है, वो सब जो खराब ख़त्म हो जाता, आनंद है, प्रेम है, तो क्रोधी के पास कहाँ बचता है वो। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरी संपत्ति को खा जाता है, जला देता है। वही क्रोध अगर उसका रूप बदल जाता है तो उमंग गुस्सा के रूप में, रूहानी जोश के रूप में, खुमारी के रूप में आ जाता है, सेवा करता। और आज तो बाबा ने बहुत जोश में कैसे बदलेगा रूहानी जोश में? देखिए कि कोई व्यक्ति रूहानियत तो है लेकिन ढीला ढाला शीतल है, उसमें उमंग सा है ही नहीं। तो जो शक्ति थी, जैसे कहते हैं ना कि कोई टाइप टू व्यक्ति होता है तो वो हर वक्त हाइपर होता है, वही उसकी टाइप टू अच्छे काम में भी काम आ जाती है। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि वो उसमें जुहानी जो सुमंग उत्साह भर देता, ठंडे से उसको एक्टिव कर देता। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। ये बाबा ने बहुत ही अच्छी विचित्र बात कही है और जो नई लगेगी सबको, क्रोध मंगत्सा का रूप ले लेता ये तो सब समझते हैं, लेकिन क्रोध सहन शक्ति का रूप धारण कर लेता है और आपका एक बहुत पावरफुल यंत्र बन जाता है। ये बाबा ने आज कहा, या तो व्यक्ति में क्रोध होगा, क्रोध मीन सहन शक्ति की कमी, और उसको ओवर पावर कर लेंगे तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो सहन शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। व्यक्ति क्रोध में आकर एक दूसरे को मार भी डालते हैं, एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं, क्रोध में आकर कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं। और सहन शक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति बच जाता है कई प्रकार के झगड़ों से, छोटी मोटी इंस्टिंक्टिव
रॉन्ग एक्शन से बच जाता है। जैसे जलती पर आग, आग पर वो पानी जल का काम करता है सेंस शक्ति, जैसे कोई आग को पानी में बदल दे वही हिसाब हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहता योग भी तो अग्नि है ना, तो वो क्रोध अग्नि बजाय जलाने के आपका जमा करेगी, विकारों को पापों को भस्म करेगी। अग्नि के दो रूप होते हैं ना, अग्नि आपकी कितनी सेवा करती है, सारा भोजन अग्नि पकाती है, सारे जर्म्स को अग्नि समाप्त करती है, लेकिन अगर अग्नि रॉन्ग जगह लग जाए तो जला डालती है। जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। यानी लोभी को लेने 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 का रहता है, चाहिए चाहिए और उसकी कभी पूरी नहीं होती, जितना चाहिए करता जाता और उसकी भूख बढ़ती जाती है। और जब वो परिवर्तित हो जाता है, इतना संतुष्ट हो जाता है इच्छा मात्र को, उसको कुछ चाहिए नहीं, जैसे सागर को पानी नहीं चाहिए। इसलिए इच्छा मात्र अविद्या अथवा यूँ कहें कि संतुष्टता धारण हो जाती है, लोभ की बजाय संतुष्ट हो जाता है। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन चाहिए कहेंगे। फिर लोभ बदल के जाइए कि कुछ चाहिए नहीं जी, लेना है नहीं हाँ। देना है ये परिवर्तन हो जाएगा हाँ। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। यानी लेने वाला ना बन के देने वाला बन जाएगा। इसे बाबा ने अनासक्त वृत्ति को कहा, इच्छा मात्र विद्या अनासक्त वृत्ति, असक्ति नहीं रहेगी ना। इसलिए बाबा ने शुरू में ट्रस्टी कहा, ट्रस्टी लोभी की बजाय अगर ट्रस्टी बन के संभालेंगे, हर चीज परमात्मा का दिया हुआ ट्रस्ट है, तो फिर आपकी उसमें असक्ति नहीं जाएगी। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। यानी मोह बदल के स्नेह स्वरूप हो जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देहाभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्वाभिमान चढ़ती कला का साधन है, देहाभिमान गिरती कला का साधन है। देहाभिमान परिवर्तित हो स्वाभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार ये विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो, इन तीन स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। अब तीन बिंदियों का बाबा ने समर्थ बताया, कितनी उसमें शक्ति है। काम के रूप में आए शुभ भावना में बन जाए हाँ। तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा।
विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वो साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वो साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है, जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बना कर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन पांच विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो। तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। आपने किसी को बंदी बनाने की नौबत आ जाए और आप उसको छोड़ दो कि बस सेवा कर, जब गुजरेंगे आप तो सलाम करेंगे ना, ये तो मुझे बंदी बना सकता था लेकिन उसने मुझे स्वतंत्र किया हुआ, सेवा करेगा ना, झुकेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो ये फिर सुनाएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज तिलकधारी, सदा मस्तक पर तीन स्मृति स्वरूप में समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे माया जीत जगत जीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक बार हम रिवाइज करते हैं, पांचों विकार कैसे चेंज होते हैं। एक तो बाबा ने कहा काम विकार शुभ कामना, और वो विश्व सेवाधारी बन जाएगा। क्योंकि तो जब हम सब के लिए शुभ कामना रखेंगे, रूहानी दृष्टि रखेंगे, तो विश्व को भाईचारा हो जाएगा। क्रोध बाबा ने कहा रूहानी जोश और खुमारी में, सहन शक्ति में। मेन बात बाबा ने ये कही कि वो क्रोध अग्नि योग अग्नि बन जाएगी, पापों का नाश करेगी, आपको नहीं जलाएगी, आपकी ईश्वरी प्रॉपर्टी को सुख शांति को नहीं जलाएगी, और सहनशीलता का शस्त्र बन जाएगी। और लोभ के लिए बाबा ने कहा ट्रस्टी, अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के रूप में, बेहद के वैराग वृत्ति, इच्छा मात्रम अविद्या, ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा लोभ जो है जब उस पर जीत पहन लेंगे तो आपको किसी चीज़ की आसक्ति नहीं रहेगी, सब इच्छा मात्रम विद्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, आप संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे, आइए आइए नहीं कहेंगे, चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, जाइए जाइए कहेंगे, तो इस ये इतना लाभ हो जाएगा। और जो मोह है वो स्नेह के रूप में, तो स्नेह के रूप में बदल जाएगा, और आपको याद और सेवा में मदद करेगा। याद करने में भी परमात्मा को स्नेह चाहिए और दूसरों की सेवा करने में भी स्नेह चाहिए, तो ये हो जाएगा। और देह अभिमान स्वाभिमान में, वो बाबा कहते उससे आपका स्वाभिमान हो जाएगा, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। टीचर्स के साथ बाबा की मुलाकात, टीचर्स अर्थात बाप समान निरंतर सेवाधारी, हर संकल्प और बोल द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त विशेष सेवा है
एक ही समय तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा। आज बाबा ने टीचर्स को ये जो विशेष सेवा बताई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एक प्रकार की सेवा करते हैं दो प्रकार की रह जाती है। जब योग लगवाते हैं तो योग लगता है, ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान की तरफ ध्यान जाता है, कर्मना सेवा करते हैं तो उस तरफ ध्यान जाता है, लेकिन मनसा सेवा जो है वो रह जाती है। वाचा के साथ साथ मनसा की भी सेवा साथ में हो और कर्मणा अर्थात संपर्क संग से संग के आधार पर भी रंग लगाने की सेवा, बोल द्वारा भी सेवा और संकल्प द्वारा भी सेवा। तो वर्तमान समय एक एक सेवा अलग अलग करने का समय नहीं है, यानी संकल्प बोल और कर्म तीनों से इकट्ठी सेवा करो। बेहद की सेवा की रफ्तार एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो इसको कहा जाता है तेज रफ्तार से बेहद की तीव्र गति वाली सेवा। तीव्र गति से बेहद के सेवाधारी बनो, सिर्फ अपना हद का स्थान नहीं लेकिन जैसे बाप एक स्थान पर रहते भी बेहद की सेवा करते हैं ऐसे निमित्त मात्र एक स्थान है लेकिन अपने को बेहद की सेवा के निमित्त समझ विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रूप में रहें। स्थान एक हो वो तो हर व्यक्ति एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन वहाँ से लक्ष्य ये रखें हम विश्व सेवादारी हैं, बेहद के सेवादारी हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखा, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे, नहीं तो देश कल्याणकारी व सेंटर कल्याणकारी हो जाएंगे, तो अपने एरिया के कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। जब हरेक इतना इतना बेहद के विश्व कल्याणकारी बनेंगे तब विश्व की आत्माएं अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी, नहीं तो थोड़े समय में कैसे पहुंचेंगे? दो चार तो नहीं है, सारी विश्व है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को संगठित रूप में बेहद की सेवा का रूप इमर्ज होना चाहिए। जैसे अपने स्थान का ख्याल रहता है, प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, उन्नति का ही ख्याल चलता है, ऐसे बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति सदा उन्नति का संकल्प इमर्ज रूप में हो तब परिवर्तन होगा। क्योंकि विश्व परिवर्तन करना है और एम भी यही है कि सारे विश्व में वर्ल्ड एक फैमिली बन जाए, एकता हो जाए। तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर अपने सामने भी सारे विश्व को रखना है और सेवा भी उसी बेहद प्रकार की करनी है ना। जैसे भारत का तो लक्ष्य ये है, सारा विश्व एक कुटुंब है, लेकिन अगर हम उससे हटकर केवल अपने देश की सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा? अन्य देश वाले को हम अपना नहीं समझेंगे तो हमारे शत्रु हो जाएंगे, या फिर देश के अंदर भी हम अपने प्रांत की सेवा करें, अपने नगर की, अपने परिवार की ही करें, तो उससे तो फिर लिमिट में आ गए ना, विश्व सेवादारी नहीं कहला सकते, आउटलुक की लोकल हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी के ऊपर कितना कार्य है, हाँ, स्वप्न में भी फ्री नहीं हो सकते। अगर ये अलग सोचोगे तो टीचर्स कभी फ्री हो सकते हैं? वो तो सपने में भी बिजी रहेंगे, ये बाबा ने टीचर्स को बताया। स्वप्न में भी सेवा ही दिखाई दे इसको कहा जाता है फुल बिजी, क्योंकि सारे दिन का आधार स्वप्न होता है।
जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उनका स्वप्न भी सेवा के अर्थ होगा। स्वप्न में भी कई नई नई बातें सेवा के प्लान व तरीके दिखाई दे सकते हैं। तो इतना बिजी रहते हो, व्यर्थ संकल्पों से तो मुक्त होना। जितना बिजी होंगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। ये तो कहते हैं ना, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग होगा तो उसमें व्यर्थ आएगा, बिजी होंगे तो व्यर्थ को मार्जिन ही नहीं। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ है या व्यर्थ। अगर जरा भी व्यर्थ का अनुभव हो उसी समय परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। समझा? बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो हम भी अपना भविष्य बनाए। आपके संकल्प से उनको संकल्प इमर्ज होगा। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है विश्व के आधार मूरत। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा। इतना अटेंशन रहे। दिल्ली वाले भी कोई नई बातें करो। कॉन्फ्रेंस तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अभी नई इन्वेंशन निकालो। कम खर्च बाला नशीन, खर्चा भी कम हो, रिजल्ट अच्छे निकले। अब देखेंगे यूपीएससी इन्वेंशन निकालता है या दिल्ली। अगर खर्च ज़्यादा और रिजल्ट कम होती है तो आने वाले स्टूडेंट दिल शिकस्त हो जाते हैं। जो आते हैं ना, जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सेवा में, वो देखते हैं इतना सारा खर्चा किया, रिजल्ट थोड़ा निकला, वो थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हैं। और अगर उसका रिवर्स हो, खर्चा कम हो और रिजल्ट ज़्यादा निकले, उतना ही उमंग उत्साह में रहते हैं। तभी उन बाबा ने कहा ना कि टीचर को बिल्कुल भी अलबेला रहना या किसी इतना बिजी रहे, जो रात दिन कहा जाता है ना, तो रात दिन में सपने भी आ जाते हैं कि सपनों में भी सेवा के प्लान चले। ऐसी नवीनता करो और नई नई इन्वेंशन करो। अभी उनको भी उत्साह में लाने के लिए कम खर्चा और अच्छे रिजल्ट निकालो। जिसमें बिजी भी सब हो जाए, खर्चा भी कम हो, तन और मन बिजी हो जाए, धन कम लगेगा। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात। सभी सदा स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। संगम युग पर सभी विजयी रतन हो। तो विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। ये देह भी पर है, स्व नहीं। तो देह के भान में आना ये भी स्वस्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्वस्थिति कितना समय रहती है। क्योंकि स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा ना। स्वधर्म सुख देने वाला है, पर धर्म दुख देने वाला है। इसका लोगों ने अर्थ ये ले लिया कि मान लो कोई हिंदू है तो हिंदू का धर्म उसको सुख देगा और क्रिश्चियन या मुस्लिम या बुद्धिस्ट धर्म उसको दुख देगा। ऐसा नहीं है। ये बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा सो स्थिति में रहेगी तो उसका स्वधर्म है। और शरीर भी प्रकृति है, शरीर की अवस्था में बॉडी कॉन्शियस होकर करेगी वो पर धर्म है। उसमें उसको विकार पैदा हो जाएंगे, अहंकार पैदा हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा, तो दुख का कारण बन जाएगा। तो पर धर्म मैंने जो अपने को शरीर मानकर कर्म करता है, और स्वधर्म मैंने जो स्वयं को आत्मा समझ के कर्म करता है। तो जो सदा स्वस्थिति में होगा
वो सदा सुख का अनुभव करेगा। एक्चुअली सो स्थिति से ही स्वस्थ शब्द निकला है या स्वास्थ्य शब्द निकला है। अगर सचमुच स्वस्थ रहना है या स्वास्थ्य ठीक रखना है तो हमको अपनी सो स्थिति में रहना है। और एक स्वास्तिका भी बनाते हैं जिसमें चार भाग होते हैं। तो अगर जन्म जन्मांतर के लिए स्वस्थ रहना है तो सो स्थिति ही हेल्प करेगी। तो सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है। संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो सिद्ध है स्वस्थिति से स्वधर्म से नीचे आ गए। जब नया जन्म हो गया, सुखदाता के बच्चे बन गए, सुख के सागर के बच्चे सदा सुख में संपन्न होंगे। आप सभी मास्टर सागर हो तो संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। समय के प्रमाण स्व का पुरुषार्थ। समय तेज भाग रहा है या स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो, समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप के बिना पहुंच नहीं सकते। अभी दौड़ने का समय गया, हाई जंप लगाओ। पुरुषार्थ में तीव्र शब्द ऐड करो। याद में रहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी, निरंतर योगी हो। अगर ये नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी। विश्व सेवा और स्व की सेवा दोनों का बैलेंस रखने से सफलता होगी। अगर स्व सेवा को छोड़ विश्व सेवा में लग जाते, विश्व सेवा भूल स्व सेवा करते तो सफलता मिल नहीं सकती। दोनों सेवाएं साथ साथ चाहिए। मनसा और वाचा दोनों सेवा इकट्ठी होगी तो मेहनत से बच जाएंगे। जब भी कोई सेवा अर्थ जाते हो तो पहले चेक करो कि स्व स्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं, हलचल में तो नहीं आ रहे हैं। अगर स्वयं हलचल में होंगे तो सुनने वाले भी एकाग्र नहीं होते, अनुभव नहीं करते। ज्ञान के सर राजों को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। तो ऐसी राजयुक्त आत्माएं हो ना, अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाप के द्वारा अनेक ज्ञान के राजों को जानते हुए उसी में रमण करते हुए आगे बढ़ो। तो सदा राजयुक्त, सदा योगयुक्त, सदा स्नेहयुक्त ऐसे हो। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले स्वयं से राजी रहते हैं और औरों को भी राजी करने के अभ्यासी रहते हैं। तो सदा राजयुक्त अर्थात राजी करने वाले कभी भी नाराज नहीं हो सकते। ऐसे सर्व राजों को जानने वाले बाप के प्रिय हैं, समीप हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु कृपा गाई हुई है, ज्ञान मार्ग में सद्गुरु की कृपा है। पढ़ाई, पढ़ाई की कृपा से सद्गुरु माला माल बना देते हैं। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई वो सदा मुक्त और जीवन मुक्त बन गया। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली बहुत ही वंडरफुल है और एक एटीट्यूडिनल चेंज ले आती है इन विकारों के प्रति, जिससे हम लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। बाबा कहता नहीं, इसको ही आपने अपनी स्मृति के आधार से इनको जीतना है और इनको दास दासी बनाना है। तो ये तो एक खेल है और उस पर विजय प्राप्त करना बाबा कहते मुश्किल नहीं है। और सेवा की जो बात बाबा ने बताई वो भी ध्यान देने योग्य है कि तीनों रूपों से हमें सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्म। ओम शांति।